हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मैरी गो राउंड बनाएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, जैसे कि हम बाकी सारी चीजें बनाते हैं। इसकी खासियत ये होगी कि इसमें हम बिल्कुल भी किसी बैटरी या सेल का यूज नहीं करेंगे और रोटेटिंग वाला बनाएंगे। बिना बैटरी, सेल और कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज हम यूज नहीं करेंगे और फिर भी ये घूमेगा, रोटेट होएगा पूरा। तो चलिए आइए बनाते हैं। दोस्तों, मैरी गो राउंड शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मेरा वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो जो सामान हम यूज करेंगे मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे बताती जाऊंगी, एंड तक बताती जाऊंगी कि हमें क्या क्या सामान यूज करना है इसमें। और पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या हमने सामान इसमें टोटल यूज किया है। तो शुरू में मैं सारा सामान नहीं डिस्क्राइब करी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज लगाते हैं वो नहीं अच्छी लगती है या बहुत सुंदर नहीं लगती, तो हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थ्रू आउट द वीडियो आपको बताते जाएं, और साथ साथ मैं आपको सब्स्टिट्यूट भी बताती जाऊंगी, अगर आपको ये चीज नहीं मिल रही है तो क्या करना है और कैसे करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, एंड तक वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं मैरी गो राउंड बनाना। अब आप देख लेंगे, मैरी गो राउंड बनाने के लिए मैंने ऐसे कुकी बॉक्स लिया है। आप किसी भी तरह का प्लास्टिक का कंटेनर होगा वो भी ले सकते हैं, जैसे मेरे पास एक कुकी बॉक्स था तो मैंने ये कुकी बॉक्स ले लिया है। और ये बॉक्स तो आसानी से हर घर में मिल जाएगा, प्लास्टिक के डब्बे इस तरह के आसानी से हर घर में मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने वही चीज ली है जो हमारे पास में हो। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इस कंटेनर पे बीच में मैंने छेद कर रखा है, कंटेनर पे एक छेद कर रखा है। तो आप प्लास्टिक का भी कंटेनर ले, जो भी ले, उसमें बीच में छेद कर ले। अब छेद करने का साइज अलग अलग हो सकता है, देखिए, क्योंकि हम मैरी गो राउंड बना रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने पेन लिया है तो मैंने इतना छेद किया है कि ये पेन मेरा आराम से अंदर बाहर फिट हो सके इसके अंदर। अच्छा, अगर आपको पेन नहीं लेना है, पेन मैंने वैसे सबसे इजी ऑप्शन बताया, हर कोई ले सकता है, तो मैं चाहूंगी कि आप पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि और कोई चीज ढूंढने से बेटर है, पेन हर घर में मिल जाएगा। पतला मोटा जिस साइज का पेन हो ले सकते हैं, पेन नहीं यूज करना तो इस तरह की कोई स्टिक होगी आपके पास में तो स्टिक का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेन बहुत इजी ऑप्शन है, वो मैंने आपको बताया। तो इस तरह का हमें एक पेन चाहिएगा जिसमें बीच में इसके साइज का हम छेद करेंगे। ठीक है, दूसरा एक देखिए, मैरी गो राउंड है तो बहुत सारी ऐसी सिंपल सिंपल सी चीजें मैंने ली है। इसको मूवेबल बनाएंगे, हम फिक्स नहीं बनाएंगे, पूरा मूवेबल बनाएंगे। तो ये देखिए, फिरकी बहुत जानी पहचानी लग रही होगी आपको, ये जैसे धागे में आती है कई बारी और रिबन में आती है, लेस के उसमें आती है, वैसी फिरकियां मैं उठा के जैसे रख लेती हूँ। तो ये फिरकी का आज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और ये देखिए बहुत अच्छा यूज होगा इस फिरकी का। तो इसी तरह की कोई भी फिरकी आपके पास में ना, वो आप ले सकते हैं, और ये बहुत इजी ऑप्शन है आपके पास में फिरकी का, क्योंकि ये तो आसानी से हर घर में रिबन लेस तो मिल ही जाती है, तो उसकी फिरकियां आप बचा के रखेंगे तो ये बहुत काम में आएगी आपको। एक साथ में देख रहे होंगे थर्माकोल का छोटा टुकड़ा भी है मेरे पास में यहाँ पे, ये राउंड था तो मैंने लिया, आप कैसा भी टुकड़ा, स्क्वायर टुकड़ा हो वो भी चलेगा, या छोटा मोटा आड़ा तिरछा टुकड़ा, एक्स्ट्रा टुकड़ा होगा वो भी आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। और साथ में आप देख रहे हैं फैंसी पेपर, पेपर का भी हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमारा कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर हमारा ये थर्माकोल जो है उसे फिक्स कर देंगे। अच्छे से ग्लू से लगा दीजिए, फेविकोल से लगा दीजिए, किसी चीज से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा फिक्स हो गया है, साथ में हमारा हम इसका ढक्कन भी लगा देंगे। अब चाहिए तो इस ढक्कन को आप चिपका लीजिए, ये अब खुलेगा नहीं, पैक रखेंगे इसे हम, ताकि बेस हमारा स्ट्रांग बने। ठीक है, पूरा अच्छे से हमने चिपका लेना है। साथ में ये जो पेन देख रहे हैं आप, इसे पेन को हम ग्लू लगा के डायरेक्टली हम इस छेद के साथ में डाल रहे हैं, हल्का हल्का सा लगा रहे हैं। देखिए वेस्टेज पेन है तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, और देखिए सेंटर पर लेकर बस ये हमने प्रेस कर दिया, पूरा सेंटर पर डाल के से हमने पूरा चिपका दिया है, पूरा प्रेस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पेपर रैप करना है। पेपर रैप करने से पहले ये जो फिरकी है इसे हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, अब ये फिरकी को चिपकानी नहीं है, आप देख रहे होंगे फिरकी मूव कर रही राउंड राउंड,
अब इसे चिपकाएंगे नहीं, इस पर हम पेपर लगाएंगे। पेपर भी ये जो फिरकी है उसके आसपास लगाना है हमें पेपर, ये फिरकी के नीचे बिल्कुल भी नहीं पेपर लगाएंगे, क्योंकि देखिए स्मूथ पोर्शन मिल रहा है तो हम यहाँ से हम जब मूव करेंगे तो हमारी व्हील आराम से घूमनी चाहिए, कहीं से भी अटकनी नीचे। पेपर लगा देंगे तो ये अटक जाएगी, तो जो भी सरफेस आप लें वो स्मूथ लेना सरफेस, ताकि ये जो फिरकी है वो हमारी आराम से इसमें घूम सके। ठीक है, अब पूरे बॉक्स को हमने पेपर से कवर करना है, फिरकी का मार्किंग लेके इसके बाहर कवर करना है और साइड में पूरा कवर करके इसे पूरा पैक कर देना है। कलर चॉइस आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं। ये देखिए हमारा पेपर लग के रेडी हो गया है, सेंटर पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने बीच का देखिए फिरकी रखी उससे थोड़ा सा बड़ा कटिंग किया है, आप देख रहे होंगे क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा, इससे थोड़ा सा और बड़ा किया। और हमारी फिरकी का मूवमेंट देखिए आप, एकदम प्रॉपर है, स्मूथ है। ठीक है, अब देखिए ये जो जॉइंट है इसे हम फिनिशिंग देंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह की एक लेस ली है, देखिए अब आप यही मैं बताना चाहूंगी कि आपके पास में जो सामान हो वो आप इस्तेमाल करें। इस तरह की लेस नहीं है तो आप रिबन ले लीजिए, रिबन को आप लगा दीजिए और इसे इस तरह से हम कवरिंग कर देंगे ताकि हमारी जो जॉइंट है वो दिखाई नहीं दे और ये बॉक्स हमारा सुंदर लगने लगे, ताकि कुछ भी डेकोरेशन करें कहीं से भी हमारा फिनिशिंग खराब ना हो, इसलिए हम कॉर्नर पे लेस लगा के इसे तैयार करेंगे। ये देखिए साइड में ऊपर भी हमने लगाया था ये लेस हमारी, और ये देखिए नीचे भी लगा दी पतली सी हमने, तो पूरी फिनिशिंग आ गई है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमने एक और माउंट बोर्ड लेना है, मजबूत करना है। दो माउंट बोर्ड को ज्वाइन करके मैंने इसे रखा है, मजबूत बनाया है इसे। इसका साइज हम हमारे कंटेनर से बढ़ा लेंगे। अब इस पर रख के देख लीजिए, अंदाजे से देखिए एक से डेढ़ सेंटीमीटर जितना मैंने इसे बड़ा रखा है, ये बिल्कुल अंदाजे से रखा हुआ है। आप अपने अंदाजे से थोड़ा सा बड़ा जो हमारा कंटेनर उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा एक और माउंट बोर्ड कटिंग करेंगे। इस माउंट बोर्ड पे भी हम इसी तरह से पेपर लगाएंगे, कलर चॉइस आपके हिसाब से है, कोई भी कलर का आप इस पर पेपर लगाकर रैप करके तैयार करेंगे। और साथ में देखिए इस पे मैंने छेद दिख रहा होगा आपको, इस तरह से छेद किया हुआ है। ये जो छेद है ये हमारा पेन से, पेन के साइज का है, पेन से हल्का सा बड़ा, ताकि जैसे हम आपको बता रहे हैं मूवमेंट के लिए से राउंड घुमाने के लिए, इसलिए देखिए एकदम इजीली जाना चाहिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये आराम से हमारा गोल घूमना चाहिए, तो इतना लूज हमें बीच का छेद बनाना है। जब हम पेपर रैप करेंगे उसके बाद भी हम बीच में छेद बना देंगे और इसी तरह से लूज इतना ही बड़ा छेद बनाएंगे ताकि हमारा पूरा पेन अंदर जा सके और आराम से घूम सके। ये देखिए हमारा माउंट बोर्ड रेडी हो गया, बीच में हमने इसमें छेद भी कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले हमारी फिरकी डालनी है। फिरकी देखिए ऐसा तो दिखाई नहीं देगा फिरकी में कुछ भी, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर कुछ रिबन या इसे कवरिंग करना चाहें तो रिबन से, पेपर से, किसी से भी यहाँ पर कवरिंग आप कर सकते हैं। इसे हमें डालना होगा इस तरह से और इसके ऊपर ये हमारा माउंट बोर्ड। अब क्या करना है, इसे हमें चिपकाना नहीं है, माउंट बोर्ड को इस रिंग से चिपकाना है। तो हम ग्लू कहाँ लगाएंगे, रिंग पर, रिंग पर ग्लू लगाकर इसे माउंट बोर्ड से यहाँ पर पूरा चिपका कर रेडी कर देंगे। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से ये पेपर ये रोल जिस तरह से आता है हमारे बहुत सारी चीजों में निकल जाएगा, तो घर में आराम से फॉइल पेपर का रोल होता है, किचन टॉवल्स में रोल्स निकलते हैं, ये वही सारे वही रोल है, वो मैंने उठा के रख लेते हैं। तो वो रोल को हम इसमें यूज करेंगे सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर हम इस रोल को लगाएंगे। लेकिन लगाने से पहले इस पर हम इसी तरह से पेपर को कवरिंग करेंगे, पूरा पेपर से कवर करके फिर उसे हम यहाँ पर सेंटर में इसे लगा देंगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे हमारा रोल बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और माउंट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये काफी बड़ा माउंट बोर्ड राउंड में रख रखा है मैंने। अब कितना बड़ा बनाना है ये मैंने तो बिल्कुल अंदाजे से काटा है, लेकिन फिर भी आपको रफली अंदाजा चाहिए है तो देखिए रख के मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम अंदाजे से सेंटर पर रखेंगे तो 7 सेंटीमीटर जितनी है मुझे हाइट, यहाँ पर चारों तरफ से इसकी गैप मिल रहा है मुझे 7 सेंटीमीटर जितना, ये मैंने अंदाजे से काटा है, मुझे 7 सेंटीमीटर मिल रहा है। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, ये हमारे इस सर्कल से बड़ा सर्कल चाहिए हमें, बस इतना ध्यान रखना होगा। इस पर भी हम पूरा पेपर लगा देंगे, जैसे हमने इस पर लगाया उसी तरीके से हम पूरा इसे पेपर से कवर कर देंगे। ये देखिए हमारे सर्कल पर हमने पेपर लगा दिया है, पूरा पेपर लगाकर इसे हमने कट कर दिया है, सेंटर से लेके अंदाजे से सेंटर से लेकर वन साइड पे हमने इसमें
कट मार दिया। अब इसका हम कोन बनाएंगे। कोन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस इस तरह से इसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करना है। और हमें ध्यान रखना है कि ये कोन हमें छोटा नहीं करना है। हम जो मैरीगो राउंड बना रहे हैं, ये जो मैरीगो राउंड बना, इससे देखिए बड़ा, ये जो देखिए अंदाजा बता रही हूँ, ये जो हमारे माउंट बोर्ड है इससे हमने बड़ा कोन बनाना है थोड़ा सा। अब जब हमें ये फाइनली माप मिल जाएगा तो इस माप से जो ये हमारा माप मिल रहा है हमें, इससे सेम ये साइज का एक सर्कल हम और कटिंग करेंगे और सेम इसी तरह का पेपर लगाकर उसे तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया है और ये देखिए हमारे कोन के ऊपर प्रॉपर फिटिंग का ये बना है। इस पर हमने पेपर भी लगाया है और साथ में आप देख रहे होंगे इसमें जगह जगह हमने छेद किए हैं। ये देखिए हम बच्चों के लिए बना रहे हैं हमारा मैरी गो राउंड, तो इसमें ये देखिए छोटे छोटे एलिमेंट्स मैंने, इसे डक काटी है, बेबी सूट काटा है छोटा सा, बॉटल, बेबी बॉटल, बेबी नैपी, ऐसे छोटी छोटी चीजें मैंने इसे कटिंग कर रखी, ग्लिटर्स की बना बना के तैयार करके रखी हुई है। अब हमें क्या करना है, कलरफुल थ्रेड से, कलरफुल धागे से हम ये सारी चीजें इसमें लटकाएंगे। ये जो छेद यहाँ दिख रहे बने हुए, इसमें हमने ये सारी चीजें धागे में लेके, इस तरह का आप कलरफुल धागा यहाँ पे यूज कर सकते हैं या जो भी आपके पास में डोरी हो, लेस हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। जो हमारे इसमें धागे में हमारी जो ऊपर का ये हमने बनाया है, इसके अंदर से धागा आर पार हो जाए और गांठ मार सके, ताकि हम ये टंगाने के काम आएगा, बाकी सारे हैंगिंग्स बन जाएंगे हमारे। देखिए हैंगिंग्स लगाने से पहले ये जो हमारा बीच का हमने राउंड सर्कल जो हम बनाया था, जो यहाँ पे हमारा घूमेगा, जो इस तरह से यहाँ स्टैंड करेगा, इसके ऊपर इस सर्कल, इसके राउंड के ऊपर हमने ये प्लेन प्लेट लगानी है। तो सबसे पहले हमें यही लगाना है सेंटर में, ताकि हमें हाइट पता चल जाए कि हैंगिंग कितनी बड़ी छोटी हमें रखनी है। तो सबसे पहले हमें इसे सेंटर में चिपकाना होगा, उसके बाद में इसकी हाइट के हिसाब से हम ये सारी हैंगिंग्स यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए हमारा इस पर चिपक के रेडी हो गया, मजबूती से एकदम चिपक गया है। अब क्या करना है, ये जो हमारा नीचे का बेस है इस पर हमने ये चिपकाना है, सेंटर देख के अंदाजे से इस तरीके से इस पर चिपका कर एकदम अच्छे से मजबूती से चिपकाना है। ये देखिए सारी हैंगिंग्स हमारी लग गई है, साथ में देखिए स्टार्स पर कॉइन भी मैंने लगाए हैं। अभी देखिए बेबी शॉवर में देना है, छोटे बच्चों को देना है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और साथ में देखिए जो हमने कटिंग्स किए थे, आप चाहे तो पूरे कटआउट्स लेके भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो ये कोन बनाया था, अब ऊपर हमारा काम हो गया, ऊपर हमने सब धागे लेके लगा दिए। अब ये जो कोन हमने बनाया था, ये हम इस पर ऊपर लगाकर इसे पूरा टाइटली फिक्स कर देंगे। ये देखिए ऊपर से हमारा कोन भी लग के रेडी हो गया और आप देख रहे होंगे ये कितने आसानी से घूम रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से। अब देखिए अब ये जो साइड का डेकोरेशन है ये करेंगे, थोड़ा ऊपर का डेकोरेशन, बाकी डेकोरेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें इस तरह की लटकन वाली लेस ली है, कोई भी हैंगिंग वाली लेस ले लीजिए, बहुत सुंदर लगेगी इस तरह से आप हैंगिंग लगाएंगे तो उस पर। ये देखिए इस तरह से आपने इस पर हैंगिंग लगानी है और इसी तरह से ये जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, मैं और पीछे करके आपको दिखाना चाहती हूँ, हाँ इस हिस्से पे भी आप ये वाली हैंगिंग वाली लेस किनारे पे लगा सकते हैं। पूरी इसे लगाकर इस तरह राउंड में रेडी करेंगे, साथ में तो जो हमने सिल्वर की लेस नीचे यूज की थी इस तरह की, वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें लेस के साथ साथ में, ताकि गोल्डन बहुत ना लगे। इसके किनारे पे ये लगा देंगे, फिर साथ में हम सिल्वर वाली लगा देंगे ताकि बहुत गोल्डन ना दिखे, और इस तरह से किनारी वाली लेस हम ऊपर भी लगा के पूरा इसे डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए पूरा मैरी गो राउंड बन के रेडी हो गया है। इस पे देखिए शाइनिंग वाले बॉल्स हमने लगा दिए हैं, ठीक है, नीचे भी इसी तरह से बॉल्स हमने बिखेर दिए। और ये देखिए पूरा मूविंग है, आराम से मूव कर रहा है, इतना मजबूती से अच्छा बना है हमारा, आप देख रहे होंगे। नीचे से भी आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं, देखिए नीचे हमने बहुत कुछ नहीं किया है क्योंकि इस तरह से सिंपली अच्छा लग रहा था। साथ में आप देख रहे होंगे क्रेडल जैसी मैंने अंदर लगा दिए। डेकोरेशन टोटली आप पर है, आप किसी भी तरह का डेकोरेशन इसमें कर सकते हैं, और भी इस तरह से बेबी आइटम्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और एकदम आसानी से आप इसे देखिए, मैंने घर की चीजों से बताया है, कोई भी मैंने बैटरी यूज नहीं की, कुछ भी नहीं, और सिंपल और आसान तरीके से इतना सुंदर मैरीगो राउंड बना है आज।
अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और लेके, तब तक के लिए बाय।